डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने कुछ टॉपिक कीबोर्ड से क्लियर किया था बिना माउस को छुए, तो आज हम इस वीडियो में अपने नेक्स्ट लेसन को स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। और इस टॉपिक में हम माउस का प्रयोग नहीं करेंगे और हम इस टॉपिक में बिना माउस के प्रयोग से हम अपने एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। तो चलिए देखते हैं उसको कैसे ओपन करेंगे। तो आज का जो आपका टॉपिक है, आपका नेक्स्ट टॉपिक है एमएस पेंट। जी हाँ दोस्तों, एमएस पेंट आज हम सीखने वाले हैं एमएस पेंट के बारे में। तो चलिए देर ना करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप कीबोर्ड से विंडो बटन को प्रेस करिएगा। विंडो बटन को जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो आपके सामने स्टार्ट बटन ओपन हो जाएगा। इसमें आपको एमएस पेंट को ओपन करना है। जैसा कि आप देख रहे हैं फोटोशॉप सबसे ऊपर टॉप में, फोटोशॉप के नीचे आपका पेंट दिख रहा है। आज हम इसी को क्लियर करने वाले हैं, इसी पे आज हम अपना कमांड बनाने वाले हैं और इसी को सीखने वाले हैं। तो चलिए इसको कैसे स्टार्ट करते हैं। अब आपने कीबोर्ड से एरो की मदद से ऊपर की तरफ जाएंगे। जैसे आप अप टॉप एरो की को प्रेस करेंगे, आपको यहाँ पर आप ऊपर आएंगे और एमएस पेंट पर आ जाएंगे और यहाँ पर आपको इंटर प्रेस करना है। जैसे आप इंटर प्रेस करेंगे आपका एमएस पेंट ओपन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अगर आपको किसी भी मेनू में जाना हो तो उसके लिए केवल सिंपल सा आपको आल्ट प्रेस करना है। जैसे आप कीबोर्ड से अपने आल्ट प्रेस करेंगे तो देखिए कुछ इस तरीके से आपके सामने FHV लिखा हुआ आएगा। अगर आपको फाइल मेनू में जाना है तो आपको F प्रेस करना है, अपने पेंट मेनू में, पेंट बटन के मेनू में आ जाएंगे। अगर आपको यहाँ से किसी भी ऑप्शंस का प्रयोग करना है, यूज करना है, तो उसके लिए आपको आपके सामने सभी वर्ड पे वर्ड को हाईलाइट किया गया है, वर्ड आ गए हैं। आप जैसे उस वर्ड को प्रेस करते हैं आप उस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। जैसे हमने O प्रेस किया, वो जैसे ही हम आप प्रेस करते हैं हमारे सामने ओपन का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसी तरीके से दोस्तों आप अपने भी कंप्यूटर में, अपने भी लैपटॉप में ये प्रक्रिया, ये ट्रिक्स यूज कर सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं आज की इस वीडियो का मुख्य पार्ट। इसमें आज हम क्या सीखने वाले हैं, एमएस पेंट के कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में। जैसा कि आप लोगों ने नोटपैड में देखा था केवल दो ही आपको टॉपिक मिले थे, जहां पर एक टाइटल बार होता था और एक मेनू बार। लेकिन यहां पर दोस्तों कुछ बढ़कर है और कुछ नया है, तो चलिए उसको सीखते हैं। यहां पर सबसे ऊपर आप देखते हैं इसे टाइटल बार कहते हैं, इस पट्टी को टाइटल बार कहते हैं। लेकिन दोस्तों टाइटल बार के ठीक लेफ्ट साइड में यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। इस ऑप्शंस को किस नाम से जानते हैं दोस्तों, इसे कहते हैं हम क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार का मतलब होता है दोस्तों कोई भी चीज़ आप जल्द में या फिर बहुत ही अपनी विंडो में बहुत ही जल्दी से करना चाहते हैं, मेनू के अंदर जाए बिना, तो आप उसको क्विक एक्सेस टूल बार की मदद से कर सकते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पर देखिए, अब टाइटल बार के ठीक नीचे आपका मेनू बार होता है। लेकिन दोस्तों इस मेनू बार में आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क जैसा नीला नीला दिखाई दे रहा होगा, तो इसे हम हेल्प की के नाम से जानते हैं। किस की के नाम से दोस्तों, हेल्प की। हेल्प की की मदद से आप लोगों को पता ही होगा कि हमें एमएस पेंट में वर्क करने में मदद करेगा हेल्प की। अब यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, ये जो आपको बटन दिखाई दे रहा है जहाँ पर आप कर्सर ले जा रहे हैं तो पेंट लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, तो इसको हम कहते हैं पेंट बटन। अब पेंट बटन में दोस्तों जो आपका नोटपैड में फाइल मेनू में होता था, अब आपको यहाँ पर पेंट बटन में दे दिया है। और यहाँ पर आपको मेनू बार के ठीक नीचे एक जो चौड़ी सी पट्टी ये दिखाई दे रही है, इस पट्टी को हम स्टैंडर्ड टूल बार के नाम से जानते हैं। स्टैंडर्ड टूल बार या फिर रिबन बार आप कुछ भी बोल सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर आप देखिए, यहाँ से हम आप देख सकते हैं यहाँ पर एक रूलर दिखाई दे रहा है, इसे रूलर बार के नाम से जानते हैं। जो ये यहाँ पर स्केल की तरह दिखाई दे रहा है इसको रूलर के बार के नाम से जानते हैं, रूलर बार। यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर वाली जो ये रूलर है इसे हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल रूलर। और यहाँ पर जो आपको
राइट लेफ्ट साइड में दिखाई दे रहा है, इसे हम कहते हैं वर्टिकल रूलर बार। ये दोस्तों क्या करता है, ये आपके पेज की लंबाई और चौड़ाई को मापकर आपको बताता है। आपका कर्सर जहाँ रहेगा आपके कर्सर को डायरेक्शन में बताएगा और आप इससे अपने पेज की लंबाई और चौड़ाई देख सकते हैं। इसका यूज कब करते हैं दोस्तों, जैसे आपको यहाँ से कोई शीर्ष बनाना हो गया, अब आपको यहाँ से चाहिए, यहाँ 100 पे हैं आप 100 to 100 कर लीजिए, यहाँ से आपको शेप्स चाहिए, यहाँ पर आप यहाँ शेप्स बनाना स्टार्ट किए, अब यहाँ तक आपको 1 ही इंच में चाहिए, तो देखिए दोस्तों इतना आप कर दीजिए, देखिए आपकी चौड़ाई और लंबाई दोनों ये मैनेज कर देता है। आप इससे ही अपने माप कर पेज बना सकते हैं। अब इसमें वर्क कैसे करते हैं दोस्तों, ये हम सीखने वाले हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन दोस्तों उससे पहले मैंने आपको बताया था स्टेटस बार में कि आपका टेक्स्ट एरिया का ब्यौरा बहुत ही अधिक देता है। जैसे नोटपैड में केवल क्या बताता था, लाइन है और आपका कर्सर कहाँ है उसका डायरेक्शन देता था। लेकिन यहाँ पर जैसे आपका कर्सर कहाँ है इसका डायरेक्शन देखिए दोस्तों यहाँ पर देगा, यहाँ जो आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड में स्टेटस बार के कोने में, यहाँ स्टार्ट बटन के ऊपर देखिए, देखिए यहाँ पर जैसे हमने कर्सर इधर उधर कर रहे हैं तो देखिए कैसे वहाँ पर डायरेक्शन चेंज हो रहा है। और यहाँ पर देखिए ये पेज की साइज बताता है, यहाँ पर देखिए ये पेज की साइज बताता है कि कौन सा पेज कितना बड़ा आपका पेज बना हुआ है। और यहाँ पर दोस्तों एक जूम स्लाइडर बार आता है जहाँ से आप अपने पेज को जूम करके देख सकते हैं और यहाँ से आप इसे मिनिमाइज सॉरी इसे छोटा करके देख सकते हैं, जूम आउट करके देख सकते हैं। इसका मिनिमम जूम आउट जो होता है वो 12.5% होता है और मैक्सिमम 500 होता है दोस्तों, ये देखिए सॉरी दोस्तों 800, मैक्सिमम 800 होता है। यहाँ पर देखिए इस तरीके से आप यहाँ से पकड़ कर अभी इसे जूम और जूम आउट कर सकते हैं। यहाँ से इसका जो नॉर्मल जूम होता है वो 100 होता है दोस्तों। और यहाँ से आप कोई भी वर्क करते हैं, अगर आपको वर्क करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है तो आप अपने पेज को जूम करके इस तरीके से देखिए देख सकते हैं कि आपका पेज कैसा है कैसा नहीं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज का वीडियो बस यहीं तक। अब नेक्स्ट वीडियो हम सीखने वाले हैं, यहाँ पर पहले सबसे पहले हम जानेंगे कि ये पेंट बटन जो है इसका यूज कैसे करते हैं, फिर स्टेप बाय स्टेप आगे हम बढ़ते रहेंगे और इसमें वर्क कैसे करेंगे वो भी हम आपको बताएंगे। और फिलहाल दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए एक चीज़ जो कि हमारा नोटपैड में टेक्स्ट एरिया के नाम से जाना जाता था, यहाँ पर हम ये ड्राइंग एरिया के नाम से जानेंगे क्योंकि हम यहाँ पर ड्राइंग करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए दोस्तों चलते हैं, नमस्कार, जय हिंद, मिलते हैं आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में एक नए ट्रिक और नए टिप्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।